हमारे मेंटर्स हैं, हमारे गाइड्स हैं। अभी तो हम लोग बिल्कुल किनारे पे और पानी से भी थोड़ा दूर हैं, अभी बिल्कुल पानी के पास भी नहीं पहुंचे हम। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता। और मैं सच बता रहा हूँ कि सिक्स स्टार की पिन सर ने लगाई मेरठ में, तो मैंने कहा भाई अब तो सिक्स स्टार हो गए। और मैं कह रहा हूँ अभी मुझे कुछ भी नहीं पता टियांस के बारे में। अभी ए का एक ए भी पूरी तरह नहीं पता, जेड तक तो पहुंचने में समय लगेगा। तो ये बड़ा, क्योंकि जो बिजनेस जो प्लान है, बिजनेस प्लान है, वो सबसे खास बात है। हम सोचते हैं कि हमने ओपीपी कर लिया, हमने एलडीपी कर लिया, कुछ बुद्धिमानी की बातें इधर उधर से बटोर बटार के, कुछ गूगल से लिया, कुछ कहीं से लिया, और उसको पाइल अप करके और पेश कर दिया, तो हम बहुत बड़े लीडरशिप रोल में आ गए। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि जो प्लान है, जो बिजनेस प्लान है, उसकी गहराई को समझना, ये ऐसा है जैसे इमारत बनाई जाती है ना, इमारत बनाते हैं तो उसके लिए वो धागे में वो क्या होता है, उसको लटका के बड़ी कायदे से कॉर्नर्स को बिल्कुल तराशा जाता है। अब बहुत ही जबरदस्त तरीके, अगर खूबसूरत एक इमारत बनानी है जो बहुत दिनों तक कामयाबी के साथ खड़ी रहे, तो उसमें बहुत ही जज्बे के साथ उनको डूब जाते हैं कारीगर, तब वो चीजें बनती हैं। वही चीज है बिजनेस प्लान। आसान नहीं है। आसान नहीं है, क्योंकि मोहसिन सर ने मुझे कुछ चीजें शुरू में बताई थी, और उन्होंने कहा कि ये दो लेग हैं, इनमें आप बस लगाते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा। मैं धका धक धका धक धका धक जोड़ता गया। लेकिन जो मैचिंग करनी है, जो बहुत सी चीजें हैं, अब ये बहुत गहरी चीज है, लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है अगर हम अपने लीडर्स के कदमों में बैठकर इन चीजों को सीख लें तो। और मैं सोच रहा हूं कि मैं, क्योंकि मोहसिन सर भी बिजी हैं, सर भी बिजी हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। कभी भी रात में, दिन में, कल किसी समय भी मैं परेशान करता हूँ सर लोगों को, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने लीडर्स का कि वो हमेशा तैयार हैं। ये बड़ा अद्भुत है सच में। जब मैंने फिर उन्होंने जो बारीकियां बताई कैसे करके हमें धन भी तो अर्जित करना है ना, हम वो कहना बेटर टाइम बेटर लाइफ गो एचडी, लेकिन धन कैसे आएगा? तो वो जो बारीकियां हैं वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर गए हैं एंड दे नो। तो इसलिए ये जैसा अभी नावे सर ने कहा कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे वाकई में मेंटर्स हैं, हमारे गाइड्स हैं, उनके बिना हम नहीं चल सकते आगे। बहुत ही जरूरी है ये। तो थैंक यू सो मच सर, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 11:50 का समय हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अरुण सर आज जरूर दो शब्द हम सबके लिए कहें। अरुण सर, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। जैसा मैंने देखा और मुझे शेयरिंग जितने भी लोगों ने की सब अच्छी लगी, और मैं यही बताना चाहूंगा कि देखो, हम जिस फील्ड में है उस फील्ड में कुछ चीजें हैं जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो चीजें होती हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलती हैं। और ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने वाले या जॉब करने वाले उन चीजों से ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना चाहते हैं, तो जिस वजह से कि वो फिर बाद में लोग कहते हैं कि सर ये तो हो नहीं रहा है, और इसकी स्किल जो है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जितना भी बिजनेस होता है वो कहीं उधार भी हो जाता है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी भी उधार नहीं होता है, ओनली कैश पेमेंट पे चलता है। और सबसे खूबसूरती बात यह है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप जितना चाहें उतना झूठ बोल सकते हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में कभी झूठ नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि ये बिजनेस पूरे सत्य पे आधारित होता है, और लोग यहाँ पे भी आके झूठ बोलते हैं तो फेल हो जाते हैं। और ये जो बिजनेस है इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती बात यह है कि इस बिजनेस को अगर कोई व्यक्ति कर रहा है
तो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो सिर्फ ऊपर ले जानी है, जितना भी अगर कोई भी काम करोगे आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विचार आएंगे, तो जितने भी नेगेटिव विचार हैं वो ऊपर ले जाओ अपलाइन के पास, और जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं उनको अपनी टीम के साथ डाउन लाइन के साथ अपने शेयर करो, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करो। तो और लोग कभी कभी उल्टा कर देते हैं, जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो टीम के साथ शेयर करते हैं और पॉजिटिव अपलाइन को करते रहते हैं, और उसकी भी वजह से उनके साथ बिजनेस में वो रिजल्ट नहीं आ पाते जो आने चाहिए। बाकी क्या, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इस बिजनेस को करते समय जब भी आप कुछ भी बोल रहे हो, या डाउनलाइन बोल रहे हो या अपलाइन बोल रहे हो या बाइनरी या चेन सिस्टम बोल रहे हो, इन सारी चीजों कंपनी बोल रहे हो, कंपनी शब्द का भी प्रयोग कर रहे हो, इन सारे शब्दों से एक इमेज बनती है सामने वाले के दिमाग में। तो वो इमेज जो बनती है वो डाउनलाइन अपलाइन कंपनी, ये जो इमेज है पुरानी खराब रह चुकी है, इनकी जो है ना लोगों के नजरिए खराब है इन इमेजों को लेकर। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो कि अच्छी एक इमेज बन सके, और जिसके दिमाग में आप अच्छी इमेज बना लोगे और अच्छी फाइल खुलेगी तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। अगर आपने ऐसे शब्द बोल दिए सामने वाले के सामने कि उसकी दिमाग में जो इमेज बनी थी वो खराब बन गई, तो वो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करने में फिर आपको बहुत ज्यादा फॉलोअप करने पड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जो बिजनेस कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है, तो जब हम उसको बिजनेस प्लान दिखा रहे होते हैं तो उसके दिमाग में कैसी इमेज बना रहे हैं, कैसा मतलब जो हम बात कर रहे हैं उन बातों से उनके दिमाग में कैसे ख्याल आता रहे, कैसी कल्पना कर पा रहा है व्यक्ति। अगर वो कल्पना अच्छी हो गई तो व्यक्ति ज्वाइन कर जाता है बिजनेस, और हमारे शब्द ही ऐसे निकल गए जिससे उसके दिमाग में जो इमेज बन गई वो नेगेटिव बन गई, तो बिजनेस में फिर फॉलोअप बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। तो थैंक यू सर, अजय सर आपने मेरे को इतना मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर अरुण कुमार सर मेरे अपलाइन है और उनका आशीर्वाद हमेशा उपलब्ध रहता है मुझे, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपके शेयरिंग के लिए सर, आपके आशीर्वाद के लिए। और हमारे साथ इस समय बहुत से लीडर्स हैं, 11:54 हो गए हैं और समय बिल्कुल भी नहीं है, नेक्स्ट सेशन 12 से शुरू होने वाला है और नेक्स्ट सेशन के कुछ लीडर्स हमारे साथ आ गए हैं, और रूबी गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप बता सकती हैं मैम होस्टिंग क्या आपको देनी होगी? गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आप ट्रांसफर कर सकते सर। जी मैम, मैं अभी बस आपको दे दूंगा थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। ओके सर। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ इस समय डॉक्टर सुनील भारद्वाज सर जुड़े हुए हैं, वंडरफुल लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फायर ब्रांड एम्बेसडर, फायर ब्रांड एम्बेसडर हैं सर, और मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हालांकि आप ट्रेवल कर रहे समय, लेकिन आप जरूर अपना आशीर्वाद हमको दें सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। आप तो मोटिवेटर होंगे, मोटिवेटर हैं अजय सर, आपको देख के लोग चार्ज हो जाते हैं। आपकी ऐसी महानता है, इस मूर्ति को जो देख लेता है ना तो आधे से ज्यादा चार्ज वो इसलिए कि ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। और आपके जुनून और आपके जो सलीके भरे शब्दों को सुन सुन के सारे लोगों में वो उत्तेजना, वो आग पैदा होती है, जिससे वो अपने को कह पाते हैं कि हम आपके साथ हैं, और साथ नहीं आपकी तरह ही बिल्कुल बनना है, सिर्फ आपके जैसा बनना है। और ये ऐसे ही आपने जो पूरी टीम को तराशा है, और आप तरास तरास के पूरी टीम को तराशने वाले बन गए हो, आपने बहुत जाबाज हीरों को तराशा है, सभी लोग हीरे की तरह तराश तराश के आपने आगे बढ़ाए हैं। और हमारा पूरा फैमिली, पूरा टियांस फैमिली, अभी भैया कह रहे थे आपके जो अपलाइन है के हम डाउनलाइन कह देते हैं, अपलाइन कह देते हैं, अरे भैया इन्हें इतना प्यार करो, इतना प्यार करो इन्हें, जितना प्यार कर पाओ
आप कहीं पे भी दुनिया में खड़े होगे और वो आदमी आपकी टांग खिंचाई करेगा। ये तो आपके कमाऊ पूत हैं, कमाऊ पूत। इनको जितना प्यार कर लोगे ये तुम्हें उतना प्यार कर लेंगे, समझे। और बहुत गजब का आपका सेशन हमेशा ही रहता है और यहाँ भी आपका बहुत गजब का सेशन है। और जिस तरह आप सब लोगों को मोटिवेशन देते हैं, सब लोगों को इतना प्यार करते हैं, वो प्यार का ही फल है कि आपको सबसे ज्यादा लोग चाहते। पूरे आप पूरे आइडियल बन चुके हैं पूरे टियांसी परिवार की, टियांसी वर्ल्ड की। हमारा तो कहते ना वसुधैव कुटुंबकम, पूरा टियांस वर्ल्ड है हमारा परिवार है। और तो हम किन्हीं डाउनलाइन कहते, किन्हीं अपलाइन कहते, हमारे तो कल के आए हुए हीरे वो हमारी गोद में जितने आते हैं उनसे हम बड़े खुश होते हैं। एक किसान अपनी खेती को देख के खुश होता है, वैसे हमारे कल के जो आए हुए जांबाज बाज और एकदम हीरे, इनको देख के हमारी एकदम और हर पूरी तमन्नाएं पूरा अंग अंग फड़क उठता है और इनसे हम खुशी होते हैं। और आपने सबको ऐसे ही तराशा है तो आप पैनल दूसरा हो चुका है और हम मीटिंग को दूसरे पे ट्रांसफर करेंगे। मैं तो हर एक में सुबह 4 बजे में, 5 बजे में, 6 बजे में, 8 बजे में, 10 बजे में और ये 12 बजे सब जगह हम हाजिर हैं। तो आप सब लोगों का प्यार ही हमें खींच के लाता है, बस सबको आशीर्वाद देने में हमें आनंद आता है। तो ये हमारे बच्चे हैं अपने, अब डाउनलाइन कहेंगे हमें, अरे डाउनलाइन या अपलाइन हमारे फैमिली के हैं, हमारे बच्चे हैं। है नाती को देख के बाबा को खुशी होती है, वैसे ही हमें अपने बच्चों को देख के खुशी होती है। थैंक यू, धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आवाज दूंगा, निवेदन करूंगा हमारे ग्रेट लीडर गवर्नमेंट डॉक्टर सफी मोहम्मद सर से, सर आपका आशीर्वाद हमें मिले। और गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग सर, आवाज क्लियर है सर? जी सर बिल्कुल क्लियर। हेलो, जी सर क्लियर है आपकी वॉइस। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, 10 बजे के जूम सेशन में सभी का बहुत बहुत वेलकम रहा कि आज दोनों ही लीडर्स आज अनुपस्थित थे और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग में बहुत अच्छे तरीके से अपने सेशन को लिया। दोनों ही लीडर्स ने जो है आज सेशन को लिया, ओपीपी सेशन, एलडीपी सेशन, मोहसिन खान जी ने और दिव्या कुमारी जी ने ओपीपी सेशन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों सेशन के लिए, बहुत ही शानदार सेशन रहे। जो भी शेयरिंग हुई वो बहुत अच्छी रही, शेयरिंग जो है जितनी भी शेयरिंग हुई सभी लीडर्स की, हमारे ग्रेट मेंटर की हुई और सभी लीडर्स की हुई, बहुत ही शानदार शेयरिंग रही। और जो भी रमादा के लिए जिनका टिकट हो चुका है वो पूरी तरीके से अपना टीम बना लें, ग्रुप बना लें, किस तरीके से जाना है। अगर ट्रेन से जाना है तो ट्रेन की बुकिंग कराएं, टिकट कराएं, और अगर ट्रेन से नहीं जाना तो बैठ करके एक प्लानिंग करें कि किस किस तरीके से ग्रुप बनाना है, कार से जाना है तो कौन कौन साथ रहेंगे। पूरी तरीके से अपने तैयारी के साथ इस काम को करें जिससे आगे दिक्कत ना हो किसी को जो है। बाद में फिर दिक्कत होती है कि किसका रह गया किसका नहीं रह गया, कौन कैसे जाएंगे, अकेलापन महसूस होता है, लोग नहीं जा पाते जो है और क्विट कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, हम पहले से प्लानिंग करके चलें कि दिल्ली से कौन कौन साथ रहेंगे, अलीगढ़ से कौन कौन साथ रहेंगे, फिरोजाबाद से कौन कौन साथ रहेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ काम करें। अभी आपके पास समय है प्लानिंग करने का और बातचीत करने का, तो वो सब चीज़ें पहले से करके रखें जिससे कोई दिक्कत ना हो। और हम बहुत उत्साहित हैं लखनऊ के लिए, रमादा के लिए, जिससे बहुत सारी टीम से मुलाकात होगी, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वहाँ पर होंगे जिनसे हमें चार्जिंग मिलेगी। और चार्जिंग बहुत ज़रूरी है, हम चाहे कितने भी मोटिवेट हम होते रहें, चाहे कितनी पॉजिटिव बातें करते रहें, ये प्रकृति का नियम है कि नेगेटिव बातें भी दिमाग में आएंगी और आनी चाहिए, लेकिन उसका एक अनुपात होता है, उसी अनुपात में आनी चाहिए और उसी अनुपात से हमारी डिलीट होनी होती रहनी चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग को हमें जो है वो लगातार लेते रहना चाहिए, चार्जिंग लगातार लेते रहना चाहिए। मोबाइल चाहे कितना ही महंगा हो,
लेकिन चार्ज नहीं होगा तो ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और आज नेक्स्ट सेशन है वो बहुत शानदार होने वाला है। नेक्स्ट सेशन हमारा शशि गौतम जी का है, जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं और उनका सेशन बहुत ही जबरदस्त होता है। उसको आप ज़रूर अपने पार्टिसिपेंट को, लीडर्स को कॉल करें जिससे इसका फ़ायदा ले सकें। और शाम का सेशन मनोरंजन सिंह जी का है, जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। शाम का सात बजे का लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग होता है, जिसमें आप ज़रूर आपको ज्वाइन करना है। आप पूरे 24 घंटे में कोई भी OPP कहीं से ले सकते हैं, सुबह 6 बजे, 4 बजे आप, लेकिन शाम का 7 बजे का जो हमारा नेशनल चैनल पर पूरा होता है उसको ज़रूर लेना है। एक अच्छे लीडर्स यहाँ पर आते हैं, जिसको अपने अनुभव को शेयर करते हैं और हम उसका फ़ायदा लेते हैं। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए, और सभी को बधाई है 12 बजे के सेशन के लिए, कि आप सभी 12 बजे का सेशन में उपस्थित हों और सभी लीडर्स को कॉल करें। थैंक यू, विश यू सक्सेस, गो आई डी। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच सर आपके आशीर्वाद के लिए। और सारे लीडर्स जुड़ते जा रहे हैं, 12 बजे का सेशन आरंभ होने वाला है। मैंने ऑलरेडी शशि मैम को होस्टिंग दे दी है, और मैं सबको प्रणाम करते हुए इस सेशन का अंत करता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस, गो HD। थैंक यू सो मच। और अरविंद यादव सर को मैं देख पा रहा हूं, वो भी हमारे पैनल में इस समय जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैंने सुना था नैनीताल में बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं सर आप, और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आपकी संगति में तो पत्थर भी हीरे बन जाते होंगे, बिल्कुल मेरा पूरा विश्वास है। और आपका एक मुझे वो हमेशा याद रहता, मैंने उसको नोट भी किया था, टीके रहना, ये याद रखना है, टीके रहना, यानी हमें टिके रहना है इस बिजनेस में, और अगर टिके रहेंगे तो कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस, गो HD। थैंक यू वेरी मच।